और आज हम लोग बनाने वाले हैं आम की चटनी। ये रहा आम। दोस्तों आम को अभी अच्छी तरह से पीसते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत करता हूँ आप सभी को एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी 2 बज चुका है और अभी हम लोग घर बनाने काम में लगे हुए थे, तो अभी काम खत्म करके हम लोग नहा धो के अभी घर आ गए हैं और खाना वाना भी बना लिए हैं। और हाँ, देख सकते हो इतना काम किए हैं हम लोग उस कोने को। तो दोस्तों अभी चलिए घर चलते हैं और खाने का इंतजाम करते हैं। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ घर के अंदर और आज हम लोग बनाने वाले हैं आम की चटनी। ये रहा आम। दोस्तों हम लोग नहाने गए थे तभी हम लोगों ने एक पेड़ से आम को तोड़ के लाया था। और दोस्तों अभी हम लोग इस आम को बनाने वाले हैं चटनी, तो चलिए काम में लग जाते हैं। बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है, अभी खाना भी खाएंगे। दोस्तों हमें आम को चटनी बनाने के लिए, उसके लिए हम लोगों को आम को छीलना पड़ेगा, तो इसे छीलते हैं। आम को छील लिया हूँ और इसी तरह सभी आम को छीलूंगा। और लगभग मेरे पास हैं 3 और इसमें है 2, कुल मिलाकर 6 आम है। तो एक को छील लिया हूँ और अभी बचे हैं 5, पांचों को भी छीलते हैं। मैंने सारा आम को छीन लिया हूँ, ये रहा देख सकते हो। और एक आम का तो चिथड़ा उड़ गया, तोड़ते समय फट गया था, तो इस वजह से छोटे छोटे टुकड़ा हो गया है। और दोस्तों मुझे लगता है इतना सारा आम ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग कुछ आम को ही बनाएंगे चटनी। लगभग 3 आम को बनाते हैं, 3 आम शायद से ठीक लगेगा। और इन सबको हम लोग ऐसे खाएंगे। और दोस्तों हमें इसमें मिलाना पड़ेगा और क्या क्या चीज हम मिलाएंगे इसमें, प्याज और 2 मिर्च। तो इस प्याज का आधा टुकड़ा को ही हम लोग मिलाएंगे और इस मिर्च को, तो चलिए इसको भी टुकड़ा करते हैं और इस आम को भी टुकड़ा करते हैं। दोस्तों चटनी बनाने का सारा सामान को मैंने इकट्ठा कर लिया हूँ। प्याज को भी काट लिया हूँ और 2 मिर्च और आम को भी काट लिया हूँ। और इस पत्थर से हम लोग इसको मारते हैं और एकदम छोटा छोटा कर देते हैं, एकदम से इसको पीसते हैं। अभी आम को पीस लिया हूँ और अच्छी तरह से नहीं पीसा हूँ, और अब इसको पीस लेते हैं प्याज और मिर्च को। उसके बाद हम लोग सबको अच्छी तरह से पीसेंगे। इसको करते हैं साइड, इसको पीसते हैं।
दोस्तों आम को भी अच्छी तरह से पीसते हैं। इसमें बारी है नमक मिलाने का, स्वाद अनुसार मिला देते हैं। फिर से अभी इसको अच्छी तरह से पीसते हैं। फाइनली दोस्तों हमारा आम का चटनी बनके रेडी हो गया है, ये रहा देख सकते हो। और इसे रखते हैं हम लोग बर्तन में, उठाते हैं इसे बर्तन में। दोस्तों देख सकते हो एकदम सही ऐसा लग रहा है। दोस्तों अभी आम का चटनी को बर्तन में उठा लिए हैं, ये रहा दोस्तों देख सकते हो कुछ ऐसा है हमारा आम का चटनी। इसको खाकर देखेंगे कैसा लगता है। दोस्तों अभी आम का चटनी बन गया है, तो अभी हम लोग खाना निकालते हैं और खाते हैं। दोस्तों अभी मैं खाना निकाल लिया हूँ, चावल और इसमें है लाली भाजी की सब्जी और आम की चटनी। दोस्तों अभी खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है। हम लोग सुबह ही खाना खाए थे और अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए हैं, तो बहुत तेज भूख लग रहा है, तो खा लेते हैं। दोस्तों अभी खाना पीना हो गया है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा धूप लग रहा है बाहर, ये रहा देख सकते हो। और दोस्तों अभी धूप कम होगा, फिर हम लोग फिर से काम पे लग जाएंगे, मिट्टी खोदेंगे। कल के लिए हम लोग खोद के रखेंगे, उसके बाद हम लोग उसे पानी डालकर गीला करेंगे। दोस्तों हम लोग रोज काम करते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट रहता है शरीर में, तो पर भी काम करते हैं, क्योंकि हमें बरसात का मौसम आने से पहले घर को तैयार करना पड़ेगा। मिट्टी का घर है तो पानी पड़ेगा अगर बरसात के मौसम में दीवार को, तो दीवार गिर जाएगा। तो दोस्तों हमें जल्दी जल्दी से काम करना पड़ रहा है, धूप में हम लोग काम करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। हम सिर्फ दो लोग हैं, मैं और मेरा भाई। और दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गया आप लोगों की, आम का चटनी कैसा लगा। तो दोस्तों आम का चटनी बढ़िया लगा, और दोस्तों थोड़ा बहुत खट्टा था, और खट्टा आम है तो खट्टा तो लगेगा ही। और कमेंट में बताना कि आप लोगों में से किस किस ने आम का चटनी खाया हुआ है। दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।